मैं कर रहा हूँ शिगारा राइट एंड श्रीनगर। ये पानी जो है झेलम नदी में जाता है, उसके बाद एक लेक में गिरता है, उसके बाद ये पाकिस्तान में पहुंच जाता है। कैसा लगा आपको डल लेक? हम तो आते रहते हैं। अच्छा, आपने सही बोला, फ्री सर्विस है। फ्री सर्विस है, बाय कर दो अंकल। क्या बात है, लाइटें ही लाइटें कराएंगे। भारत माता की जय। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, यानी गौतम दास ब्लॉग चैनल में। और आज मैं हूँ श्रीनगर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं कर रहा हूँ शिगारा राइट इन श्रीनगर। डल लेक आपने सुना होगा, डल लेक जो 36 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि शिगारा राइट यहाँ पे कैसे की जाती है, क्या कॉस्ट पड़ता है, और क्या यहाँ पे चीज़ें क्या क्या होंगी, फ्लोटिंग मार्केट क्या होती है, फ्लोटिंग मार्केट में क्या क्या आइटमें मिलती है, और घूमने लायक क्या क्या लोकेशन है। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो जिस शिगारा राइड को मैंने हायर किया है, वो शिगारा राइड के जो राइडर हैं, ड्राइवर हैं, उनसे मैं अब मिलवाता हूँ आपको कि इसके बारे में वो कुछ बताएंगे। बोट्स का जो रहता है वो क्या कॉस्ट पड़ता है, और ये डल लेक के बारे में कुछ बताएंगे। तो हाँ जी चाचा, आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। अच्छा, आप कब से ही काम कर रहे हैं? उतना टाइम भी नहीं हो गया, कम से कम 20 साल। 20 साल तक शिकारा राइड चला रहे? अच्छा, इस बोट को शिकारा राइड बोलते हैं ऐसा? शिकारा राइड। अच्छा, तो आप ये कितने रुपए घंटा लेते हैं चार्जेस? तो अभी है 600 रुपए है, गवर्नमेंट का रेट जो है 600। गवर्नमेंट का रेट 600 रुपए है, इसको और बढ़ना है, 100-150 और बढ़ जाएगा। 100-150 और बढ़ जाएगा, 750 तक हो जाएगा। अच्छा, जब और कोई अगर कस्टमर ज्यादा घंटे के लिए घूमे तो उसके लिए डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं? अच्छा, तो यहाँ पे ये पूरी लेक कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 36 किलोमीटर। अच्छा, और ये जितने ये फ्लोटिंग बोट्स थे, पीछे घर थे जो उधर देखे हैं, वो कितने कितने को भी बस्ती है ना, बहुत बहुत बड़ा गांव है, वो दिख रहा है ना, वो मकान मकान अंदर अंदर साइड में। हाँ जी, हाँ जी, खेती भी रहता है ना, बहुत सब्जी खेती। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बस्ती बहुत है। मतलब कितने हाउस बोट्स हैं लगभग? 1200-1500 तक होगा। अच्छा, 1200-1500, ठीक है। तो कभी आप ये पानी कितना गहरा होगा वैसे? अच्छा, ज्यादा रहता है, ठीक है। हर साल पानी बढ़ता है, सब बर्फ का पानी आता है, बारिश का पानी, ठीक है। इस साल पूरा उतरा भी बढ़ गया था, वो हर साल जमता था, ठीक है। तो ये पानी जाता कहाँ है? ये पानी जाता कहाँ है? यूएसए। अच्छा, रिवर जाता है, झेलम नदी में, और झेलम नदी पाकिस्तान जाती है। वॉलर लेक जाता है। कौन सी लेक? वॉलर लेक। वॉलर लेक, वॉलर लेक से फिर पानी कहाँ जाता है? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान चला जाता है, ठीक है चाचा, थैंक यू। तो ये जो लेक आपने अभी मैंने देखा, जैसे चाचा जी से बात की, तो 36 किलोमीटर में ये लेक फैली हुई है, और ये लेक का पानी चलता पानी है। ये पानी जो है झेलम नदी में जाता है, उसके बाद एक लेक में गिरता है, उसके बाद ये पाकिस्तान में पहुँच जाता है। तो अभी हम एक लोकेशन पर रुके हैं जो है चार मीनार लोकेशन। तो चार चिनार ये लोकेशन है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, फ़ोटो शोटो खींचेंगे, उसके बाद दूसरी लोकेशन पे हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊँ तो ये आप देखिए, चारों तरफ से मस्जिद में से आवाज़ आ रही है, अजान चल रही है। तो ये है चार मीनार। और चाचा क्या ले? चलो ठीक, चलो ये क्या कर रहे हो? ये लगता है रिपेयर कर रहे हो? नहीं, रिपेयर मशीन का है। अच्छा, मशीन। ये चार मीनार है? चार चिनार। तो ये है चार चिनार, मैं इसको चार मीनार कह रहा था। अच्छा, तो ये चार चिनार क्यों है, मतलब इसका नाम? मुगल के वक्त। मुगल के वक्त।
तो चार चिनार रख दिया इसका नाम। आप रिपेयर करना है इसको? नहीं रिपेयर नहीं, यहाँ तो नया चिनार डाल लेना। अच्छा अच्छा नया चिनार डाल, नया चिनार। अच्छा 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 ठीक है। उधर देखिए आप पहाड़ देख सकते हैं, बर्फ पड़ी हुई है, उस बर्फ का पानी पिघल के इसमें आता है, ये डल लेक में, और फिर यहाँ से झेलम नदी में जाता है, फिर वहाँ से पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर में होगा? 36 किलोमीटर, 36-37 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये 36-37 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये हिमालयाज है, हिमालय की वादियाँ देख रहे हो आप। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वो पानी पिघलता है और इस लेक में आता है, और फिर इस लेक में आपको अलग अलग मौसम में अलग अलग नज़ारा देखने को मिलता है। सर्दियों के मौसम में बर्फ़ भी मिल सकती है। जमता था। अच्छा, इस साल नहीं जमा। ओके, वो आगे हो कैलाहारी पर्वत, वो कौन सा पर्वत है? कैलाहारी पर्वत उसको बोलते हैं। नहीं, अकबर का किला है ना? हाँ, वही अकबर का किला है। तो गाइज वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे अकबर रहा करते थे, वो अकबर का किला कहते हैं यहाँ पे। कांगड़ी है ना अंकल जी? हाँ, ये कांगड़ी। अच्छा, तो ये साथ में रखते हैं आप? साथ अपने में रखते हैं। तो कितनी देर तक ये गर्म रहती है? इसको अगर ये भर जाएगा तो इसमें 5-6 घंटा निकलता है। 5-6 घंटा, तो ये आपका आराम है? कोयले के ऊपर डिपेंड होता है, कोयले के ऊपर रहता है। कोई कोयला ऐसा भी होता है कि दिन में 4-5 बार भरना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये कोयला चल रहा है, देखूँ गर्म है। हाँ गर्म तो है, तो ये 5-6 घंटा चलता है। तो गाइज ये यहाँ पे सभी लोग कांगड़ी अपने पास रखते हैं, कांगड़ी बोलते हैं, कांगड़ी बोलते हैं, और इसको फेरन बोलते हैं। इतना तो मुझे पता लग गया धीरे धीरे, मैं यहाँ के रीति रिवाज और कल्चर को जान रहा हूँ धीरे धीरे। 3-4 दिन मुझे हो गए हैं यहाँ पे, तो इसको कांगड़ी बोलते हैं और इसको फेरन बोलते हैं। इसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, और इसको शिगारा बोलते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको शिगारा बोलते हैं, इसकी राइड को बोलते हैं शिगारा राइड। ठीक है, क्या क्या भैया खाने को? चाय, कॉफी मिलेगा, कावा। कॉफी कितने का? मैगी। कॉफी कितने का? कॉफी 50। एक कॉफी बढ़िया बना दो। हैं, कितनी देर में आऊँ लेने? 2-3 मिनट। ठीक है, आप आवाज़ मार देंगे। हैं, मैं अंदर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है गाइस चार चिनार, आप देख सकते हैं। चार चिनार हैं, तो यहाँ पे काफी लोगों के फोटोज लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्रिंट करके हैं? प्रिंट करके ऐसा बनाएगा? हाँ हाँ हाँ, ऐसा बनाना चाहते हैं। एड्रेस में फोटोग्राफ्स कभी फोटो यहाँ पर मिलेगा? कितने का एक फोटो? ये साइज की बड़ी फोटो, जैसा साइज बनाएगा। अच्छा, अगर ये बनाएगा 100 ड्रेस के, 100 का एक है। और आगे दिखाओ, क्योंकि इससे बड़ा बनाना चाहता है ये, 200 पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग साइज है हमारे पास। ओके ओके ओके, इससे बड़ा बनाएगा, हमारे पास बड़ा साइज भी है। ओके, नॉर्मल साइज बनाएगा तो 100 ड्रेस के साथ। अच्छा अच्छा, 200 वाला है और 150 वाला भी है हमारे पास। ठीक है, ड्रेसेस इंक्लूड आएगा सर। ठीक है, अभी आता हूँ घूम के। तो ये ड्रेसेस भी आपके हैं सारी? हैं। ओके, वीडियो बना सकते हैं ना? तो गाइज ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कश्मीरी पोशाक, मेल फीमेल ड्रेसेस हैं काफ़ी सारी, और ये कैप है ना? तो ये कैप आप पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं सारा, और ये ज्वेलरी है कश्मीरी। तो ये सब ड्रेसेस यहाँ लगी हुई हैं चार चिनार के पास, तो यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं 100 रुपीज़ पर फोटो प्रिंट करके, ऐसा? ठीक है। काफ़ी ठंड है, तो कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से ही हैं? अच्छा अच्छा, मैं तो यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग। हाँ। आपका भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको भी सब्सक्राइब करवाएंगे।
जब भी आप डल लेक में शिकारा राइड करेंगे तो बहुत सारे शिकारा राइड वाले जो दुकानदार हैं, जैसे दुकान पे आते हैं तो बहुत सारे दुकानदार फ्लोट शिकारा में आएंगे, आपके पास सामान बेचेंगे, कोई अपनी ज्वेलरी बेचेगा, कोई अपना वुडन का सामान बेचेगा, तो आपको वो रेट बहुत ज़्यादा बताएंगे, 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये की आइटम। तो मेरा जो ट्रिक है नेगोशिएशन का, मैं हमेशा 1000 रुपये से सीधा 200 रुपये बोल देता हूँ, ताकि वो अपने आप ही उसका एक्चुअल प्राइस बोल दे, तो वो 300, 100, 200 रुपये ऊपर बढ़ा के अपना रेट की अच्छी नेगोशिएशन हो जाती है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारा पैसा बचा पाता हूँ। तो आप भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई यहाँ पे, जब आप आएंगे तो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे दुकानदार अपनी शिकारा लेके, कोई इधर से आ रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो आपको एक एक करके जो चीज़ लेनी है वो आप लीजिए, जो नहीं लेनी उसको मना कर दीजिए बिल्कुल साफ, क्योंकि कोई आपको ज्वेलरी दिखाएगा, कोई वुडन की चीज़ें दिखाएगा, कोई महंगी महंगी बहुत सारे रेट लगाता है, बहुत महंगा महंगा रेट लगाता है। तो जो भी आपको रेट लगाए आप सीधा उसका ये कह सकते हो 75% एकदम से डिस्काउंट बना के उसको रेट बताइए, ताकि वो आपको फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के ही रेट दे। सपोज़ अगर वो आपको 1000 बताए तो आपको उसको 250 बताओ कि हम 250 देंगे, तो फिर वो बोलेगा कि नहीं सर ये कम है, 350 में डन कर दो। तो ऐसे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। तो मैं, मेरी जो ख़रीदने की ट्रिक है वो यही है, मैं बहुत पैसा बचाता हूँ इसी तरह नेगोशिएट करके। कुछ लोग होते हैं कि जितना पैसा बोला है उतना ही दे दो, दे देते हैं इजीली और वो पैसा नहीं बचा पाते, तो मैं तो ऐसे बचाता हूँ। तो ये थी कुछ ट्रिक्स आपके लिए जो बेनिफिट हो सकती है जब आप डल लेक में आएँ या कहीं और भी घूमें, तब भी आप ये वाली ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मार्जिन टूरिस्ट से ये कमाते हैं। तो अभी हम चार चिनार में हैं, अभी हम अपनी शिवारा में वापस जाएंगे और वो शिवारा घूमते हुए फिर से हमारा जो हाउस बोट है जो डल लेक में हमने लिया हुआ है, वहाँ पे मैं हाउस बोट के बारे में भी काफ़ी कुछ आपको बताऊँगा रास्ते में। तो चलते हैं और आप थोड़ा सा दिखाइए, आप यहाँ पे देखिए इधर बर्फ़ पड़ी हुई है चारों तरफ, और वो जो दिख रहा है आपको वो ताज होटल है, 5-स्टार ताज होटल, वो बहुत कॉस्टली है, 30 से 40 हज़ार रुपये रूम है वहाँ पे। अगर आपका बजट है ताज में रुकने का तो आप ताज में भी रुक सकते हैं, और बाकी मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। चार चिनार ज़रूर आइए आप, यहाँ पे आगे चलते हैं हाउस बोट में, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। चलें अंकल, चलो चलो आगे चलो। तो गाइस अभी हम चार चिनार से निकल रहे हैं, दूसरी लोकेशन देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे घूमने के लिए है। वैसे बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप यहाँ रुक के फ़ोटो शूट कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, और वॉशरूम सच बताऊँ तो अच्छे नहीं, वॉशरूम बहुत गंदे हैं यहाँ पे। तो अभी आगे देखते हैं। तो गाइस मेरे हाथ में है चप्पू और मैं चला रहा हूँ शिकारा यानी बोट, और मुझे परमिशन मिल गई है कि भाई आप कुछ चलाओ, आप भी इस तरह के चप्पू से कुछ चला सकते हैं, पर आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप उसकी उम्मीद मत करना। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस तरह की एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं, शिकारा राइड खुद चलाने का अपना ही एक मज़ा है। और हाँ एक बात और, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है कि व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो गाइज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप ज़रूर डालिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी व्लॉग वीडियो और ज़्यादा आपके लिए बनाता रहूं, और लाइफ का एंजॉय आप भी उठाते रहें और मैं भी उठाता रहूं। आपके सब्सक्राइबर मुझे, मेरे लिए एक प्रोटीन का काम करते हैं, मेरे चैनल के लिए प्रोटीन का काम करेंगे, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और हम व्लॉग पे व्लॉग बनाते रहेंगे, और इस तरह के एक्टिविटी करते रहने, इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं यहाँ पर डल लेक में आके। बहुत ही ठंडा पानी है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बस झील इस बार क्या कहते हैं बर्फ़ से नहीं ढकी है, पिछले साल बर्फ़ से ढकी हुई थी, इस साल ठीक है टेम्परेचर माइनस में है, बट आप गुलमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे तो वहाँ स्नो देखने को मिलेगी। डल लेक में अभी स्नो नहीं है, पिछले साल ये जम गई थी पूरी, तो उसको तोड़ना पड़ता है जब आप यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट घूमेंगे या डल लेक शिकारा राइड करेंगे, तो उसको तोड़ना पड़ता है बर्फ़ को। फिलहाल किस्मत हमारी अच्छी है कि आज धूप भी निकली थोड़ी सी और मौसम भी थोड़ा ठीक है घूमने लायक, और बारिश भी नहीं हुई, तो सफ़र का मज़ा लेते रहिए आप। तो गाइस मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं, वो आप देख रहे हैं, वो है अकबर का किला पुराने टाइम का, और अभी दिन ढलने वाला है और हम जा रहे हैं
वापस अपने बोट हाउस में। रास्ते में काफ़ी सारे बोट हाउस आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डल लेक में टोटल 1200 से 1300 के आसपास हाउस बोट्स हैं, जिसमें सरकार ने उनको पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा सब कुछ दिया हुआ है। और आप वहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और एज अ होटल आप वहाँ रह सकते हैं। वो थोड़े चीप रहते हैं, बेस्ट रहते हैं, सस्ते रहते हैं, तो आप वहाँ पे आके एज एन होटल के कंपैरिजन सस्ते पड़ते हैं हाउस बोट्स। तो यहाँ पे लोगों की रोजी रोटी का साधन जो है वो हाउस बोट्स ही हैं डल लेक में। तो जैसे ज़मीन के प्लॉट बिकते हैं, ऐसे यहाँ पे डल लेक में आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई हाउस बोट 1 करोड़ की बनती है, कोई 2 करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, कोई 10 करोड़ की, क्योंकि उसमें फिर डिज़ाइनिंग होती है, कमरे बनते हैं, वॉशरूम बनते हैं, उसकी पाइपलाइन बिछती है, म्यूनसिपल की तरफ से वाटर पाइपलाइन आती है, बिजली का कनेक्शन मिलता है, जैसे हमारे नॉर्मल रहता है कनेक्शन वगैरह मिलता है, रजिस्ट्री होती है, बाकी सारी फॉर्मेलिटी वैसे ही है। बाकी जो हाउस बोट्स हैं वो पानी के ऊपर रहती है, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पानी है, अपने वहाँ नॉर्मल इलाकों में पानी नहीं होता, वहाँ ज़मीनें होती हैं, यहाँ पे ज़मीन है बस वो पानी के ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो जो हाउस बोट बुक करने का मेरा मकसद यही था कि एक बार हाउस बोट का एक्सपीरियंस लिया जाए कि पानी के अंदर घर में रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अभी चलते हैं, आपको हाउस बोट्स दिखाते हैं, थोड़ी सा आगे जाके हैं हाउस बोट्स, दिन भी छिपने वाला है तो आपको दिखाते हैं आगे हाउस बोट्स, कितने सारे हाउस बोट्स यहाँ बने हुए हैं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको 1200 से 1300 के आसपास हाउस बोट्स बने हुए हैं, और हर साल कई सारी और रजिस्ट्रियाँ होती रहती हैं, बिकते रहते हैं हाउस बोट्स की स्पेस जो डल लेक के अंदर है। तो डल लेक जो है वो 36 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है, आप हमारे ब्लॉगिंग पसंद कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं कहाँ का बनाऊँ अपनी फेवरेट लोकेशन आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट में जो लोकेशन आएगी मैं उसको कवर करूँ और उसका ब्लॉग बनाऊँ। बट उससे पहले आपको मेरे लिए काम करना होगा, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। पानी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा कि 10 मिनट में अगर मैं रखूँगा तो ये पकड़ सकती है मेरी उंगली पर। सर्दियों के टाइम तो मतलब अभी तो सर्दियाँ ही हैं, कई बार ये बर्फ़ जमी होती है तो उसका नज़ारा अलग है। गर्मियों में आप आओगे तो यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलेगी, उसका नज़ारा अलग है। तो आप अगर कश्मीर आएँ और डल लेक घूमें, तो आप गर्मियों में आएँ तो गर्मियों में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और सर्दियों में तो मैंने आपको ब्लॉग दिखाई दिया कि सर्दियों में कैसा लगता है। आप गर्मियों में अगर आएँ, मैं कोशिश करूँगा कि गर्मियों में भी आऊँ और इसका एक और ब्लॉग बनाऊँ। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि गर्मियों में भी आएँ। अगर आप इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुँचाएँगे तो मैं अप्रैल में इसी ब्लॉग को गर्मियों में भी बनाऊँगा। ये आपके ऊपर है, आप गर्मियों का ब्लॉग चाहते हैं कि नहीं चाहते। दबा के इसको सब्सक्राइब करते रहो ताकि मैं गर्मियों का ब्लॉग भी बनाऊँ यहाँ पर आके। तो ये जो छत आपको दिख रही है ये शिगारा राइड की छत है। अगर बारिश की बूंदें वगैरह बीच में आने लग जाएं तो आप इससे बच सकते हैं, इस वजह से ये वाटरप्रूफ बनाई गई है शिगारा हमारी। लगभग 12 फीट लंबी होती है ये, 12 से 15 फीट लंबी होती है। गर्मियों में अंकल ये कैसा रहता है यहाँ पे देखने का? बढ़िया, देखने के लिए अच्छा रहता है, फूल वूल होता है गाय बाय में, अच्छा लगता है गर्मियों में। अच्छा, मन नहीं करता है वहाँ पर जाने के लिए, इतना सुंदर होता है, इतना खूबसूरत होता है। अच्छा, मन नहीं करता वहाँ पर जाने का। तो अभी तो जैसे फूल वगैरह कुछ नहीं है, तो गर्मियों में काफी फूल रहता है? अच्छा, तो कितने बजे तक रहता है गर्मियों में राइड ये शिकारा राइड? गर्मी में रहता है 1 बजे तक, रात को 2 बजे तक भी चलता है। और ठंड होता है? नहीं, कहाँ ठंड होता है, कम होता है ठंड, हवा ठंडी हवा आता है ना, हल्का हल्का ना, इसलिए ये लोग बाद में लेट से निकलते ना घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, जैसे हम ओपन लेक में जाएगा थोड़ा ठंड रहता है, महसूस थोड़ा हवा रहता है। अच्छा, तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो हो जाता है ना, तो गाइज आप देख सकते हैं कि गर्मियों में यहाँ पे बहुत सारे फूल उगते हैं, बहुत सारे इसका जो सीन है देखने वाला होता है अंकल जी ने जैसे बताया। तो आप अगर, मैं ट्राई करूँगा कि गर्मियों में भी इसको कवर करूँ एक बार डल लेक को, और साथ में आप दूसरी शिगारा देख सकते हैं वो जा रही है, इनको शिगारा बोलते हैं, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, मान लो अब तो। तो अभी आप मेरे पीछे से जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मस्जिदों से आ रही है, जो जिसको अजान कहते हैं।
ठंड नहीं लगती। कैसा लगा आपको डल लेक? हम तो आते रहते हैं। अच्छा, आप खुद ही चला रहे हो? तो कितने पैसे मिलेगा चलाने का? फ्री सर्विस है। अच्छा तो गाइज, अभी मेरे पास हम वापस पहुंचने वाले हैं हाउस बोट की लोकेशन पे। तो यहाँ बोट्स, हाउस बोट्स जो हैं शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारी बोट्स हैं। ये है, तो ये जो बोट्स होती हैं सारी फ्लोटिंग बोट्स हैं। आपको मैंने पहले बताया 1200 से 1300 बोट्स लगभग पूरे डल लेक में हैं। तो अगर यहाँ पे इनको बनाने की कॉस्ट 1 करोड़ से लेके 20 करोड़, 30 करोड़ तक आती है। जितनी बड़ी आप हाउस बोट बनाएंगे उतनी बड़ी आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा। तो ये लोग इसको एज अ होम स्टे, एज अ होटल यूज़ करते हैं, और टूरिस्ट आते हैं उसमें रुकते हैं, घूमते हैं, और वो यहाँ से अपनी इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हाउस बोट्स हैं, काफ़ी सारे हाउस बोट्स हैं यहाँ पे। किसी ने छोटा लिया हुआ है, किसी ने बड़ा लिया हुआ है एज़ पर पॉकेट के हिसाब से। तो उधर भी देख सकते हैं सारे हाउस बोट्स हैं। ये लगभग 1200 से 1300 हाउस बोट्स हैं। वो आप देख रहे हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही है, उसको मैं पास से आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी लग रही है, लाइटें जल रही है उसमें। वो आप देख रहे हैं उधर बर्फ, वो वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक झंडा लहरा रहा है, वो एक आर्मी का कैंप है उधर। तो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ तो हम नहीं जा पाए पर मैं यहाँ से देख रहा हूँ उसको कि बहुत खूबसूरत होगा वो। वीडियो बन रही है आपकी, बाय कर दो। एक ही आता है उससे क्या बाय करोगे। सोफी पैलेस अल्ताफ कोच, तू बना रहे? बाय कर दो अंकल, क्या बात है, लाइटें ही लाइटें कराएगी। भारत माता की जय। तो मैं हूं अभी डल लेक की फ्लोटिंग मार्केट के बीच में, और मैं रास्ते में रुका हूँ चाय और मैगी के लिए। और चाय का मज़ा फ्लोटिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी डल लेक में आएँ तो यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी आप खा पी सकते हो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं लिया। अभी मैंने मैगी भी ऑर्डर किया है, अभी मैं चाय पी रहा हूँ, और कॉफ़ी भी है इनके पास, और भी बहुत सारी आइटम हैं। जब भी आप आएँ यहाँ पे भट्ट टी स्टॉल के पास आ सकते हैं। मैंने इनको भी प्रमोशन कर दी है थोड़ी सी, इनको भी देख लेना। तो ये हैं भट्ट साहब, और मैं हूँ मीना बाज़ार में, और मैं खा रहा हूँ मैगी। ये देखिए सर, कौन कौन सी है, ये स्पेशल है? ये वेजिटेबल मैगी है, वेज है सर। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप, आ जाओ थोड़ा सा कैमरे में। बोले सर, क्या है, कौन सी लोकेशन है ये? ये मीना बाजार है। मीना बाजार, और आपकी शॉप का नाम क्या है? मेरा नाम, शॉप का नाम है भट्ट टी स्टॉल सर। भट्ट टी स्टॉल, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ आपको मिलेगा सर चाय कॉफी मिलेगा, कहवा मिलेगा, मैगी, लेमन टी सर, और ब्रेड ऑमलेट भी कभी कोई मांगते वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे, जब भी आप डल लेक फ्लोटिंग मार्केट में आए, बहुत मीना बाजार आए, कस्टमर आप भट्ट साहब की टी स्टॉल पे जरूर आए। ठीक है जी, वेलकम सर, एनी टाइम सर। तो गाइस ये देखिए स्वादिष्ट मैगी मैं खा रहा हूँ फ्लोटिंग मार्केट पे। तो ये है चाको ब्रदर्स, यूनिक ब्रांड ऑफ वुड क्रविंग, प्रमोट करेंगे आपको। डल लेक फ्लोटिंग मार्केट, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ से आप जैकेट ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, है ना? नहीं अभी हमारा जाना है। अंकल चुप हो गया। तो गाइस शिकारा राइड के बाद मैं जा रहा हूँ अब डिनर करने, और आपने इस ब्लॉग को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए, दूसरे लोगों को शेयर करने के लिए
थैंक यू सो मच। और अगर आप डल लेक आना चाहते हैं और यहाँ घूमना चाहते हैं तो उसकी जो भी ज़रूरतमंद इंफॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो स्माइल के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।